जी सबसे पहले सुबह जाना सुबह जाने आक्रमण हो गया। अच्छा कल की फ्लाइट थी इंडिया की। कल की फ्लाइट थी उसकी इंडिया में जाना, टिकट भी सब करा दी थी। बल्कि आज उसका बर्थडे भी है। अच्छा आज बर्थडे है। हाँ। और कितने की टिकट दी थी? टिकट उन्होंने दी है मेरे ख्याल से 60,000 के आसपास के दी थी। मतलब महंगी दी है कुछ? हाँ महंगी तो यही खैर तो टिकट तो नहीं उससे रेट बढ़ा के दिए जो नॉर्मल रेट है उससे डबल करके दिया है। डबल करके दिया है। बंकर में शिफ्ट कर दिया उनको। इधर से बनाओ। हेलो हेलो वीडियो तो आने अभी एक मिनट नहीं ऑडियो तो चल रहा है। अक्षित अभी एक मिनट सुन बेटा। एक मिनट डबल कर ले पहले। अरे वो मीडिया वाले हैं एक बार बात कर ले जरा। आपका वीडियो नहीं आ रहा। वीडियो हालात कैसे हैं वहाँ पे? अच्छा किसी को बोलने के लिए मना किया हुआ है? अच्छा बंकर में है। कितने लोग हैं वहाँ पे आपके साथ ग्रुप के? अच्छा नहीं आप जो बंकर में आपको रखा है वहाँ उस बंकर में कितने हैं? एक बार वीडियो दिखा देगा बैक करके। एक बार चेहरा दिखा दे बेटा। एक बार जरा दिखा दो। अब आप बात कर लीजिए अपने अक्षित। ऐसे बना लो यार। एक बार चेहरा दिखा दे बेटा अपना। मेरा नाम राजेश कुमार है। हाँ जी। और मेरा बेटा है अक्षित कुमार जिसका एडमिशन 2020 के बैच में हुआ था यूक्रेन में खारगे मेडिकल कॉलेज में। और वो वहीं पे अपना MBBS की पढ़ाई कर रहा है जी। अब हालात जाना अब ये कुछ और हो गए यहाँ पे जाना। वो बल्कि जाना उसको जाना कल आना था। कल उसकी फ्लाइट थी कंफर्म हो गई थी। आज बर्थडे भी है और उसका बर्थडे भी था तो हमने बर्थडे वगैरह की तैयारी कर ली थी कल जाना। लेकिन वो सब सारी चीजें कैंसिल करनी पड़ी जी। कीर्तन वगैरह भी हमने रखा था मगर चलो उसका बर्थडे आ जाना। तो अब वहाँ पे उन्होंने काफी दिक्कत है बच्चे को जाना अक्षित को। और अब कॉलेज में भी उन्होंने जो है ना जितने बच्चे हैं बाहर वाले उनको सबको जो है ना बंकर में शिफ्ट किया है ग्रुप वाइज। अच्छा। तो 80-70 बच्चे के आसपास अभी वो बंकर में रह रहे हैं। और बंकर में क्या है कि खाने पीने की बड़ी समस्या उनके साथ में। उनके पास जाना खाने पीने के सब कुछ नहीं है इसलिए उन्हें जाना अपना बाहर जाना पड़ता। टिकट कितने का था? टिकट जो है ना 80,000 के आसपास की टिकट हुई थी। महंगा टिकट भी महंगी हुई क्योंकि 35-40 हज़ार की टिकट थी वो 80,000 में हुई। और इंडिया की तो और भी महंगी थी बल्कि। अच्छा। तो उन्होंने कराई थी वहाँ पे जाना ऑनलाइन जो जैसे ही था जी। मतलब दिक्कत है बच्चे परेशान हो रहे हैं अभी। तो हम कुछ रिक्वेस्ट करेंगे इंडिया से अपनी गवर्नमेंट से कि जितने भी बच्चे हैं हमारे इंडियन के उन बच्चों को जो है ना सुरक्षित लाने की जो है ना कोशिश की जाए। उन्हें जितना जल्दी जल्दी हो जिस तरीके से भी गवर्नमेंट मदद कर सकती है इन बच्चों की। जितने भी बच्चे वहाँ तकरीबन 20,000 के आसपास बच्चे बता रहे हैं टोटल यूक्रेन के अंदर सारे जितने भी मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर हैं। तो हम गवर्नमेंट से ये कहेंगे सब बच्चों को जो है ना जितनी जल्दी हो सके जिस तरीके से भी आ सकते उन्हें सुरक्षित जो है ना इंडिया वापस लाया जाए जिससे कि जो है ना सारे माँ बाप अपने जो है ना बच्चों को परेशान है जो है ना सब।